IRDA IC38 यानी इंश्योरेंस इंडस्ट्री का सबसे पॉपुलर एग्जामिनेशन जो कि इंश्योरेंस एजेंट बनने के लिए देना मैंडेटरी होता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जेड फंड शाला की म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एग्जामिनेशन वाली वीडियो सीरीज पर आए शानदार रिस्पांस को देखते हुए हमने लास्ट वीक IC38 एग्जाम फॉर लाइफ इंश्योरेंस एजेंट की भी एक वीडियो सीरीज स्टार्ट की, जिसमें हम अभी तक करिकुलम के लगभग 3 चैप्टर्स कवर कर चुके हैं। अगर आप उन चैप्टर्स की वीडियोज और उनके क्वेश्चन वाइज को देखना चाहते हैं तो ऊपर आइकन पर क्लिक कर सकते हैं। आज की इस वीडियो की बात करें तो हम करिकुलम के चैप्टर 4 यानी कि रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ इंश्योरेंस एजेंट्स को कवर करने जा रहे हैं। मूविंग ऑन, हमारी वीडियोस पर आए शानदार रिस्पांस को देखते हुए हमने एक कॉन्टेस्ट भी लॉन्च किया, जिसमें आप में से 3 लकी विनर्स हमारी वीडियोस को अपने फेसबुक अकाउंट पर शेयर करके 300 रुपये तक के अमेजन वाउचर्स हर हफ्ते जीत सकते हैं। कॉन्टेस्ट की डिटेल्स हमने नीचे कॉमेंट बॉक्स में दिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आदित्य बिरला सन लाइफ AMC को भी थैंक यू करना चाहूंगा। आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड हमें इस चैनल जेड फंड शाला के लिए नॉलेज और रिसोर्सेज का सपोर्ट दे रहे हैं। मैं हूं अक्षत गिरोत्रा और आप देख रहे हैं जेड फंड शाला। तो आइए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, आज हम IC38 एग्जाम के करिकुलम के चैप्टर 4 के क्वेश्चन बैंक को कवर करने वाले हैं। आपकी अच्छे से रिवीजन हो जाए इसके लिए हमने एक टेस्ट भी प्रिपेयर किया है सेम क्वेश्चन बैंक का, वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके अटेम्प्ट कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। हु इज अ कॉम्पोजिट इंश्योरेंस एजेंट, यानी कि कॉम्पोजिट इंश्योरेंस एजेंट कौन होता है? द ऑप्शंस आर इंश्योरेंस एजेंट ऑफ लाइफ, इंश्योरेंस एजेंट ऑफ लाइफ एंड जनरल, इंश्योरेंस एजेंट ऑफ वन लाइफ वन जनरल एंड वन हेल्थ इंश्योरर, इंश्योरेंस एजेंट ऑफ वन लाइफ वन जनरल वन हेल्थ एंड वन ईच ऑफ मोनो लाइफ इंश्योरर। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, इंश्योरेंस एजेंट ऑफ वन लाइफ वन जनरल वन हेल्थ एंड वन ईच ऑफ मोनो लाइफ इंश्योरर्स। यानी कॉम्पोजिट इंश्योरेंस एजेंट उस इंडिविजुअल को कहा जाता है जो 2 या 2 से ज़्यादा इंश्योरर के साथ काम करता है, एक कंडीशन के साथ कि वो एज एन इंश्योरेंस एजेंट किसी एक लाइफ इंश्योरेंस, एक जनरल इंश्योरेंस, एक हेल्थ इंश्योरेंस और एक एक मोनो लाइफ इंश्योरेंस के साथ में काम कर सकता है। आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। द डेजिग्नेटेड ऑफिशियल में प्रोसेस एजेंसी एप्लीकेशन एंड ग्रांट अपॉइंटमेंट टू द कंप्लायंट एप्लीकेंट एज एन इंश्योरेंस एजेंट विद इन डैश ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट फ्रॉम द एप्लीकेंट। द ऑप्शंस आर 7 days, 15 days, 30 days या फिर 60 days। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 15 days। कोई भी इंडिविजुअल किसी भी इंश्योरेंस कंपनी में जब अप्लाई करता है इंश्योरेंस एजेंट बनने के लिए और एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी लगा देता है, तो जो डेजिग्नेटेड ऑफिशियल होता है इंश्योरेंस कंपनी का, उसको 15 दिन के अंदर अंदर एप्लीकेंट की एजेंसी एप्लीकेशन को प्रोसेस करना होता है। आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। द एजेंसी एप्लीकेशन लेटर शैल बी डिस्पैच्ड विद इन डैश आफ्टर अपॉइंटमेंट ऑफ द एजेंट। यानी कि जो अपॉइंटमेंट लेटर देना है इंश्योरेंस कंपनी ने इंश्योरेंस एजेंट को, वो कितने दिनों के अंदर अंदर कंपनी से डिस्पैच हो जाना चाहिए? द ऑप्शंस आर 7 days, 30 days, 45 days या फिर 2 months। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज 7 days। अगर किसी कंपनी ने एक बार इंश्योरेंस एजेंट को अपॉइंटमेंट दे दिया है तो कंपनी को 7 दिन के अंदर अंदर अपॉइंटमेंट लेटर को डिस्पैच करना मैंडेटरी होता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। The designated official shall communicate the reasons for refusal for appointment as agent to the applicant in writing within dash of receipt of the application. यानी कि अगर designated official applicant agent की application को refuse कर देता है तो उन्हें application आने के कितने दिन के अंदर अंदर refusal के reasons को writing में applicant को convey करना होता है? The options are 7 days, 15 days, 21 days या फिर 30 days. इसका right answer है option C. एक डेजिग्नेटेड ऑफिशियल को एप्लीकेंट को 21 दिनों के अंदर अंदर अपडेट करना होता है कि किस वजह से इंडिविजुअल का अपॉइंटमेंट रिफ्यूज किया गया। आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। एप्लीकेंट सीकिंग अपॉइंटमेंट एज अ कॉम्पोजिट इंश्योरेंस एजेंट शैल मेक एन एप्लीकेशन टू द डेजिग्नेटेड ऑफिशियल ऑफ रिस्पेक्टिव लाइफ जनरल हेल्थ इंश्योरर और मोनो लाइफ इंश्योरर एज द केस मे बी इन द कॉम्पोजिट एजेंसी एप्लीकेशन फॉर्म डैश। द ऑप्शंस आर फॉर्म IA, फॉर्म IB, फॉर्म IC, फॉर्म IDI। The right answer is option B, that is फॉर्म IB। ऐसे applicants जो composite insurance agent बनने के लिए apply करना चाहते हैं उन्हें फॉर्म IB के थ्रू apply करना होता है, ये बताने के लिए कि वो एक composite insurance agent के रूप में जुड़ना चाहते हैं। आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। Applicant seeking appointment as an insurance agent of an insurer shall submit an application in dash to the designated official of the insurer। यानी वो कौन सा फॉर्म है जिसमें एप्लीकेंट इंश्योरेंस एजेंट बनने के लिए अपनी एप्लीकेशन देता है? द ऑप्शंस आर फॉर्म IA, फॉर्म IB, फॉर्म IC, फॉर्म IDI। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज फॉर्म IA।
एप्लीकेंट अपनी एप्लीकेशन फॉर्म IAA में सबमिट करेगा इंश्योरर को, अगर वो एज एन इंश्योरेंस एजेंट अप्लाई कर रहा है तो। आई देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। द पासिंग सर्टिफिकेट ऑफ द इंश्योरेंस एजेंसी एग्जामिनेशन इशूड बाई द एग्जामिनिंग बॉडी शेल बी इन फोर्स फॉर अ पीरियड ऑफ डैश फॉर द पर्पज ऑफ सीकिंग अपॉइंटमेंट एज एन एजेंट विद एनी इंश्योरर फॉर द फर्स्ट टाइम। यानी कि जो पासिंग सर्टिफिकेट है इंश्योरेंस एजेंसी एग्जामिनेशन का, वो कितने टाइम तक वैलिड रहता है अगर एजेंट पहली बार किसी कंपनी के साथ जुड़ना चाहता है तो। द ऑप्शंस आर 1 month, 3 months, 6 months या फिर 12 months। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि 12 months। सो जो इंश्योरेंस एजेंसी का पासिंग सर्टिफिकेट एग्जामिनिंग बॉडी द्वारा इशू किया जाता है वो 12 महीने तक वैलिड रहता है फॉर द पर्पज ऑफ सीकिंग अपॉइंटमेंट एज एन एजेंट विद द इंश्योरर फॉर द फर्स्ट टाइम। आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हु इज ऑथराइज टू मेक अपॉइंटमेंट्स ऑफ एन इंडिविजुअल एज एन इंश्योरेंस एजेंट। द ऑप्शंस आर IRDA, डेजिग्नेटेड ऑफिशियल, एग्जामिनेशन बॉडी या फिर एपेलेट ऑफिसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि डेजिग्नेटेड ऑफिशियल। सो डेजिग्नेटेड ऑफिशियल एक ऑथराइज पर्सन होता है एक इंश्योरेंस कंपनी का, जिसके पास अथॉरिटी होती है एजेंट एप्लीकेंट्स को अपॉइंटमेंट देने की। आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। इन केस ऑफ सरेंडर और रेजिग्नेशन ऑफ द इंश्योरेंस एजेंट द इंश्योरर शैल इशू द सेसेशन सर्टिफिकेट विद इन अ पीरियड ऑफ डैश फ्रॉम द डेट ऑफ सरेंडर और रेजिग्नेशन। यानी कि इन केस इंश्योरेंस एजेंट इंश्योरेंस कंपनी यानी इंश्योरर के साथ काम नहीं करना चाहता है और रिजाइन कर देता है तो इंश्योरर को कितने समय के अंदर अंदर इंश्योरेंस एजेंट को सेसेशन सर्टिफिकेट देना होता है रेजिग्नेशन करने की डेट से। द ऑप्शंस आर 7 days, 10 days, 15 डेज या फिर 30 डेज। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, यानी कि 15 डेज। सो इंश्योरेंस एजेंट को 15 दिन के अंदर अंदर उसका सेसेशन सर्टिफिकेट मिल जाना चाहिए उसकी रेजिग्नेशन के बाद में। आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। नो इंश्योरेंस एजेंट सेल फोर्स अ पॉलिसी होल्डर टू टर्मिनेट द एग्जिस्टिंग पॉलिसी टू अफेक्ट अ न्यू पॉलिसी फ्रॉम हिम विद इन डैश फ्रॉम डेट ऑफ सच टर्मिनेशन ऑफ द अर्लियर पॉलिसी। द ऑप्शंस आर 6 months, 1 year, 3 years, 5 years। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, यानी कि 3 years। सो इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि कोई भी इंश्योरेंस एजेंट किसी पॉलिसी होल्डर को फोर्स नहीं कर सकता है उनकी एग्जिस्टिंग पॉलिसी को बंद करने के लिए, और साथ ही साथ उनसे नई पॉलिसी नहीं स्टार्ट करा सकता है 3 साल तक फ्रॉम द डेट ऑफ टर्मिनेशन ऑफ द अर्लियर पॉलिसी। सो ये तो थे IRDA IC38 एग्जाम फॉर लाइफ इंश्योरेंस के चैप्टर 4 के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। इसके अलावा हमने एक टेस्ट भी प्रिपेयर किया है इन्हीं सेम क्वेश्चंस का, जिन्हें आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अटेम्प्ट कर सकते हैं और खुद के स्कोर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर जेड फंड्स की बात करें तो जैसा कि आप में से बहुत सीवियर्स ऑलरेडी जानते होंगे, जेड फंड्स एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म है जहां पर आप हमारे साथ जुड़कर अपने क्लाइंट को सभी कंपनी के म्यूचुअल फंड्स अवेल करा सकते हैं और साथ ही साथ खुद के लिए प्लैटिनम कमीशन रेट्स भी अर्न कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स ही नहीं बल्कि टाइम टू टाइम जेड फंड बहुत से यूनिक प्रोडक्ट अपने क्लाइंट्स के लिए लेकर आता रहता है, जैसे कि फ्री चार्ज क्रेडिट लाइन, डेली SIP, डेली इंटरेस्ट अकाउंट और डिजिटल गोल्ड। इसके अलावा अगर एज अ फाइनेंशियल एडवाइजरी बिजनेस वाइज बात करें तो हम बहुत तेजी से अपने ऑफरिंग्स को बढ़ा रहे हैं, जिसमें कि हम बहुत जल्दी लोन और इंश्योरेंस का बिजनेस भी हमारे प्लेटफॉर्म पर लॉन्च करने वाले हैं। यानी कि आप एक ही प्लेटफॉर्म से अपना कंप्लीट फाइनेंशियल एडवाइजरी बिजनेस मैनेज कर पाएंगे। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, अभी हमें व्हाट्सएप करें 7217746224 पर और बने एक स्टार फाइनेंशियल एडवाइजर, या फिर हमारी जेड फंड्स की एडवाइजर ऐप भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए। अगर आप हमारी और भी वीडियोज़ को चेकआउट करना चाहते हैं तो आप ऊपर आइकन पर क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग जेड फंड शाला। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.